हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल न्यू टेक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आप छत्तीसगढ़ में चल रहे लोक सुराज अभियान के अंतर्गत आप अपने आवेदन की स्थिति कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ में लोक सुराज चल रहा है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार हर विभाग के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की जो भी समस्या हो, वो लोक सुराज के माध्यम से उसका निराकरण किया जा रहा है। तो दोस्तों, हर ग्राम में अभी लोक सुराज के अंतर्गत सभी व्यक्ति, लगभग जिसको जिसको जो समस्या है उसने अपना आवेदन किया है और उसका रिसिप्ट अपने पास रखा है। तो दोस्तों, रिसिप्ट के माध्यम से, रिसिप्ट में जो नंबर है उसके माध्यम से आप अपने आवेदन की जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं अपने आवेदन की जानकारी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब के रेड कलर का बटन दिखेगा, उसमें आप क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल की घंटी को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जब भी नई से नई इस वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप कोई ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, इसमें आप गूगल पे टाइप कीजिए CG लोक सुराज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये पेज ओपन होगा। अब इस पेज में ये देखिए, login-cg.nic.in यहाँ लिखा हुआ है। ये इसके नीचे में जो ये है cg.nic.in/लोक सुराज। ठीक है दोस्तों, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये पेज ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ये ऊपर में देखिए आवेदन की स्थिति जानने हेतु आवेदन क्रमांक डालें। अब यहाँ पे आपका जो रिसिप्ट है, जो पावती है आपके आवेदन का, उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए ये मेरा, मैंने भी आवेदन किया था प्रधानमंत्री आवास से रिलेटेड, कि मुझे भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये चलिए मैं अपना रिसिप्ट नंबर यहाँ टाइप कर देता हूँ। ये मेरा रिसिप्ट नंबर है। ठीक है दोस्तों, इस रिसिप्ट नंबर को मैं टाइप कर देता हूँ, ये रहा। अब यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों, पूरा विवरण सामने आ गया है आपके आवेदन का। ठीक है, मैंने ये आवेदन किया था, ये आवेदन नंबर मेरा है। ठीक है दोस्तों, ये नाम है। ठीक है, ये देखिए, विषय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ प्रदान करने हैं, तो इसमें विवरण भी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का लाभ प्रदान है। तो ठीक है, इसके लिए मैं अप्लाई किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा आवेदन कंप्लीट हो चुका है, आवेदन स्वीकार हो चुका है। अब यहाँ कार्यवाही विवरण, अभी पत्र की स्थिति जो है अपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इस अधिकारी को मेरा आवेदन गया है इस विभाग के अंतर्गत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब ये जो अपूर्ण दिखा है, अपूर्ण जो लिखा है, वो जब इसकी कार्यवाही पूर्ण हो जाएगी तब इसमें जो भी कार्यवाही, अभी ये मांग है, हमने मांग किया है, और जब उसका विवरण हमारे पास, उसकी निराकरण जब भी हो जाएगा, तब यहाँ निराकरण की स्थिति दिखाएगा। ये पत्र की स्थिति जो है, ये निराकरण की स्थिति ही है। यहाँ पे अपूर्ण की जगह जो भी निराकरण आपकी आपका होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। तो दोस्तों, अभी जब भी निराकरण होगा आपके आवेदन का, तो आप अपना आवेदन का स्थिति और साथ किसी भी व्यक्ति के आवेदन की स्थिति आप
इस तरह देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास रिसिप्ट अगर नहीं है, अगर कहीं गुम गया होगा, तो भी आप अपने आवेदन की जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आगे हम बताने वाले हैं, इसको लास्ट तक देखिएगा। आप इसी होम पेज पे यहाँ होम पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ विविध रिपोर्ट दिया है, इस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ जिलेवार दर्ज आवेदन, ठीक है दोस्तों, इस पे क्लिक कीजिए। अब देखिए ये जिलेवार जितने भी जिले हैं उसकी पूरी लिस्ट यहाँ शो हो गई है, दिखने लगी है। अब आप अपना जिला का चयन कर लीजिए, आप जिस भी जिले से हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं मुंगेली जिला से, मैं अपना मुंगेली जिला चयन कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब जितने भी मुंगेली जिले में जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारी ब्लॉक आ गए। देखो ये विकासखंड, यहाँ 3 ब्लॉक्स हैं, लोरमी मुंगेली और पथरिया। देखिए अब आप जिस भी ब्लॉक से हैं या जहाँ का देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए यहाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए पथरिया में मैं क्लिक कर दिया। अब पथरिया के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायतें हैं वो सभी दिखने लगी। ये क्रमांक है ग्राम पंचायत का नाम, और ये आवेदनों की संख्या, जिस जिस पंचायत में जितने आवेदन आए हैं वो सब यहाँ शो होने लगा है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने पंचायत का चयन कर लीजिए। जैसे मैं अपने पंचायत का चयन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्लिक करना है। उसके अंतर्गत जितने भी देखे, ये जितने भी आवेदन है वो सारा सभी के नाम से शो होने लगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई रिसिप्ट की ज़रूरत नहीं है, सबका लिस्ट आ जाएगा। देखिए ये इस तरह से आ गए, और नीचे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इधर और डेस है, मतलब इधर और पेज है। देख लेते हैं इधर और कितने पेज का है। एक पेज में 25 व्यक्ति का लिस्ट शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इधर देख लेते हैं और ये कितने पेज का है, ये 20 पेज, ये टोटल 20 पेज का है। अब इसको आप एक्सेल में डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ एक्सपर्ट टू एक्सेल। ठीक है दोस्तों, अब वो एक्सेल में आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। ये रहा दोस्तों, इसको सेव कर लीजिए, ये आपके सिस्टम में सेव हो गया। अब इसको निकाल लीजिए, ओपन कर लीजिए। इस तरह से कुछ आएगा, यस कर देंगे, मैसेज आएगा। तो ये रहा जितने भी आवेदन हैं, लास्ट में पूरे एक ही पेज में पूरे एक्सेल में आ गए हैं 479। ये रहा 479 था, 479 पूरे आ गए हैं। तो दोस्तों आप इस तरह अपना बिना रिसिप्ट के भी आप देख सकते हैं। अपना नाम यहाँ कंट्रोल एफ से फाइंड करके आप अपना नाम भी सर्च कर सकते हैं, और अगर सर्च नहीं करना है तो आप इस तरह से नाम ऊपर नीचे करके इसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।